हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेडिकल एब्रिविजन के बारे में। डॉक्टर की पर्ची की लिखावट को आप कैसे पढ़ोगे इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला है ओडी। ओडी का मतलब रहता है ओमनी डाई। ये लेटिन वर्ड है जिसका मतलब रहता है वंस अ डे, दिन में एक बार लेना है। जो दवाई के पीछे अगर ओडी लिखा है तो इसका मतलब है कि वो दवाई एक बार लेना है। देन बीडी का मतलब रहता है बीस इन डाई, बीआईडी भी लिखते हैं। तो ये ट्वाइस अ डे मतलब कि दिन में दो बार लेना है। देन यहाँ पे दवाई के पीछे एसी लिखा मिलता है तो इसका मतलब है एंटेसिबम। ये लेटिन वर्ड है जिसका मतलब रहता है बिफोर मील, खाने से पहले। देन पीसी का मतलब रहता है पोस्ट सिबम, मतलब कि आफ्टर मील, खाने के बाद। देन आगे यहाँ पे रहता है टीआईडी जिसका मतलब रहता है टेर इन अ डाई थ्री टाइम डेली, मतलब कि दिन में तीन बार लेना है, जिसका टीडीएस भी लिखा मिलता है। देन आता है क्यूआईडी जिसका मतलब रहता है क्वार्टर इन अ डाई, मतलब कि फोर टाइम्स अ डे, दिन में चार बार लेना है, जिसका यहाँ पे क्यूडी भी लिखा मिलता है और यहाँ पे QDS भी लिखा मिलता है। आगे की लिखावट है यहाँ पे HS जिसका मतलब रहता है होरासोमनी, मतलब कि एट बेड टाइम। कोई दवाई है उसके पीछे HS लिखा है तो इसका मतलब है कि वो सोते समय लेना है, कि वो यहाँ पे रात्रि काल में सोने के समय लेना है। आगे का मेडिकल एब्रिविजन है यहाँ पे Q जिसका मतलब है यवरी। जैसे Q6H लिखा है, मतलब कि यहाँ पे यवरी सिक्स हावर, मतलब कि जो दवाई है वो यहाँ पे हर छः घंटे में लेनी है। देन Q4H लिखा है जिसका मतलब रहता है यवरी फोर हावर, मतलब कि जो दवाई है वो यहाँ पे हर चार घंटे में लेनी है। वैसे ही रहता है यहाँ पे PO जिसका मतलब रहता है पर ओस, मतलब कि बाय माउथ, मुँह से लेना है। देन आता है PRN प्रो रे नाटा जिसका मतलब रहता है वैन नीडेड, अगर आपको ज़रूरत लगे तभी लेनी है। आगे का मेडिकल एब्रिविजन है यहाँ पे स्टेट जिसका मतलब रहता है स्टेटिम, जो लेटिन वर्ड है और इसका मतलब रहता है यहाँ पे इमीडिएटली, मतलब कि तुरंत ही लेना है। जैसे कोई इंजेक्शन के पीछे ऐसे स्टेट लिखा है तो वो तुरंत लेना है। आगे लिखा है यहाँ पे IM जिसका मतलब रहता है इंट्रामस्कुलर, मतलब कि इन टू द मसल, मांसपेशी के अंदर लेना है जो इंजेक्शन है वो। देन अगर लिखा है यहाँ पे IV जिसका मतलब रहता है इंट्रावेनस, मतलब कि इन टू द वेन, मतलब कि खून की नली के अंदर लेना है, तो उसके लिए IV लिखा मिलता है। आगे है यहाँ पे SC मतलब कि सबक्यूटेनियस, जो कि लेना रहता है यहाँ पे अंडर स्किन इनटू द फैट लेयर, जो फैट लेयर है इसके अंदर लेना है। आगे है यहाँ पे IDI जिसका मतलब रहता है इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मतलब कि इनटू द स्किन, चमड़ी के अंदर लेना है, जो स्किन के लेयर है उसके अंदर लेना है। आगे का मेडिकल एब्रिविजन है यहाँ पे SL जिसका मतलब है सब लिंगुअल, अंडर द टंग, जिह्वा के नीचे रखना है। देन आता है यहाँ पे टॉपिकल या लोकल, तो ऑन स्किन, चमड़ी के ऊपर लगाने का ऑइंटमेंट है, जैसे टॉपिकल एप्लीकेशन ऐसा लिखा है, मतलब कि ये सिर्फ चमड़ी के अंदर लगाना है, एक्सटर्नल यूज़ करना है। यहाँ पे मेडिकल एब्रिविजन देखे तो अगर TAB लिखा है तो इसका मतलब है कि टैबलेट लिखा है। देन CAP लिखा है तो कैप्सूल लिखा है। देन GTT ये लिखा है तो गुड्डा, मतलब कि यहाँ पे ड्रॉप्स, जैसे यहाँ पे 223 GDD लिखा है तो दो तीन ड्रॉप्स डालने हैं, ये लिखा है। देन आगे यहाँ पे CBC लिखा है अगर, तो इसका मतलब रहता है कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब कि खून की पूरी जांच रहती है, उसको करने के लिए बोला है एडवाइस में। ADV लिखा है तो एडवाइस होता है। आप यहाँ पे बताओगे कि CO जो रहता है उसका क्या मतलब रहता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।